गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5 प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। यहां फंक्शन दिया हुआ x अपॉन ब्रैकेट में x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके इंटीग्रल को ऐसे रिप्रेजेंट किया, यहां पर हम लोग जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हमें सीखना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन एक नया है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहता है तो उसको छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ लिया जाता है, तो उसे एक पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। और वो पार्शियल फ्रैक्शन जिसको हम तोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर में जैसे दो लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 और x प्लस 2, तो एक फ्रैक्शन के साथ x प्लस 1 आएगा, दूसरे फ्रैक्शन के साथ x प्लस 2 होगा, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के वर्किंग रूल क्या होते हैं, कैसे इसको हम लोग इस प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरा जो वर्किंग रूल आपको बता रहे हैं आपको ऐसे ही करना है, इसमें कुछ नहीं है बस केवल। तो लेट x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, यहां पर देखिए ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि x की पावर 1 है। जब भी कभी ऐसा मिल जाए तो, और कोई भी फैक्टर रिपीट ना हो रहा हो, तब आप यहां पर लिखो a और a के साथ में x प्लस 1, एक पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया, और दूसरा है यहां पर लिखेंगे b और x प्लस 2, x प्लस 2 लिखा, तो ये हमारा है क्या, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर a की वैल्यू हम जब निकाल लेंगे और b की वैल्यू निकाल कर जब यहाँ रख देंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में टूट जाएगा। तो हमें a और b की वैल्यू निकालना है। इसके लिए आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है x प्लस 1 और x प्लस 2, इसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, और यहाँ देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, यानी यहाँ पर मिलेगा a x प्लस 2 आएगा और प्लस यहाँ पर b आएगा और x प्लस 1 आ जाएगा। इसको हमने दे दिया नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें निकालना है, तो a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को 0 रखेंगे, पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या यहीं से x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट पार्ट। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यही वर्किंग रूल होता है। तो अब यहां पर देखिए x प्लस 1 जैसे हम यहां रख देंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, और तो यहां क्या x की जगह क्या रखना है, माइनस 1, यहां माइनस 1 आएगा, माइनस 1। और अब यहां पर a है, ये तो पूरा 0 है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब x की जगह पर यहां पर माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 और प्लस 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 1, और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी a इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1, यानी a इज इक्वल टू आ गया माइनस 1। अगेन पुटिंग, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन पुटिंग x, अब इस बार b की वैल्यू निकालना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम फर्स्ट में फिर से रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट है जैसे हमने इसको रखा है, उसी तरह x इक्वल टू 2 रखते हैं। आप यहाँ तो कॉपी कीजिए, उसके एरेज करके हम आपको आगे बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे x प्लस 2, जैसे हम यहाँ पर x प्लस 2 रखेंगे 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, और x की जगह पर जब माइनस, यहाँ पर माइनस 2 रखेंगे, इस यहाँ पर जब हम माइनस टू रखते हैं, तो यहाँ देखिए x की जगह पर माइनस 2, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 2 है, तो ये तो हो गया माइनस 2, और ये पूरा टर्म 0 हो गया, b ये आया, और इसके बाद यहाँ पर x प्लस 1, तो x की जगह पर माइनस 2, तो माइनस 2 हो गया, और आगे प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 2, और यहाँ पर देखिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या है, b इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, यानी b जो है वो आएगा सीधा सीधा यहाँ पर 2 आएगा b की वैल्यू। तो अब हम जब a और v की वैल्यू निकाल लिए, देखिए v की वैल्यू हमारे पास ये मिली है b इक्वल टू 2, और a की वैल्यू माइनस 1 आया, तो अब हमारा जो अब इसी तरह से अब जब a और v की वैल्यू निकल गया तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन होगा, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पर 2 आएगा और x प्लस 2। तो इस तरह से जो पार्शियल फ्रैक्शन है, अब यहाँ पर नीचे हम आपको लिख रहे हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप बताते हैं।
इसको हम ऐसे लिखेंगे, लास्ट में नीचे सबसे लास्ट में ये जो लिखा गया है इसी एक ही जगह पर लास्ट लाइन, इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर एक जगह पर यहाँ माइनस वन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे और v की वैल्यू 2। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया, माइनस वन एक्स प्लस वन और 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो अब तो ये तो हमें पता चल गया है ये हमारा क्या फ्रैक्शन आया है। तो अब एक काम करते हैं इसको, अब हम इंटीग्रल अब स्टार्ट करेंगे। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना नहीं सिखाया, जब आप तोड़ लीजिएगा तब आप आगे हम लेकर भी चलेंगे अपने इंटीग्रल पर आएंगे। तो ये हमारा ये इंटीग्रल है, अब इस इंटीग्रल की जगह पर हम सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और यहाँ पर आएगा प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू और पूरा यहाँ पर रहेगा डी एक्स। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो इसका काम अब खत्म हो चुका है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट जब करेंगे तो ये तो माइनस हो गया और वन अपॉन एक्स प्लस वन इसको डी एक्स और प्लस टू कॉन्स्टेंट है बाहर लिया और वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। अब थोड़ा आसान है, इसके आगे तो आपको सब आते ही है, इसके आगे क्या बताना है। इसके आगे अब देखते हैं कि कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए आप न्यूमरेटर में वन है, डिनोमेटर में एक्स प्लस वन है, डिनोमेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर मिल गया। तो ऐसे कब जब भी मिल जाता है हम लॉग लगा देते हैं, सीधा यहाँ लॉग लगा देंगे। तो माइनस लॉग पीछे रिकॉर्डेड वीडियो हमने आपको सिखाया हुआ है, जब भी कभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर मिल जाए तो सीधा लॉग लिखिए और एक्स प्लस वन लिखिए। आप मॉड लगाना चाहे तो मॉड लगाइए, नहीं तो ब्रैकेट बनाना चाहे तो ब्रैकेट बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल लॉग है। टू यहाँ पर टू है, उसी तरह इसका भी देखिए, इसका भी डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर है तो टू लॉग और यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे एक्स प्लस टू मॉड और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये टू तो यहाँ चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं, तो लॉग इसको पहले लिख लेते हैं, लॉग x प्लस टू मॉड है तो यहां पर स्क्वायर हो गया और उसके बाद इसको यहां लिख लेते हैं लॉग लॉग मॉड ऑफ x प्लस वन वन प्लस सी। अब फिर लॉग की एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं, जब यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो ये तो देखिए ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमें यहां पर हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स प्लस टू करके स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा ना, माइनस है तो लॉग की प्रॉपर्टी से तो नीचे आएगा एक्स प्लस वन, तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स प्लस वन, यहां पर आप चाहें तो आप ऐसे मॉड लगा दीजिए और प्लस सी। मॉड ना भी लगाइए, आप ब्रेकेट बना दीजिए, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग ये इंटीग्रल तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव रियल वैल्यू पर ही ये इंटीग्रल पॉसिबल ही होगा। तो आप मॉड बनाना चाहे तो बनाइए, ना बनाना चाहे तो गलत नहीं होगा, सब सही है। तो इस तरह से ये निकल आया, ये इंटीग्रल ही वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं सीखना, यहाँ पर केवल पार्शियल फ्रैक्शन ही सीखना है, आप उसी पर ध्यान लगाइए और ये पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे किया गया, बाकी इंटीग्रल में आप एक्सपर्ट हैं, इंटीग्रल आप निकाल ही लेंगे। थैंक यू।